हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास सिक्स का हिंदी व्याकरण चैप्टर फाइव। चैप्टर नेम है वाक्य विचार। आज हम वाक्य विचार के बारे में जानते हैं कि वाक्य विचार होता क्या है। तो वाक्य क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं कि जब भी शब्दों के सार्थक मेल में उसे लिखा जाता है उसे वाक्य कहते हैं, जिससे वाक्य बनता है। तो वाक्य विचार आज हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। व्याकरण में नियमों से बंधा हुआ शब्द समूह जब किसी विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है, चित्र यहाँ पे दिया गया है, इंग्लैंड को हराकर भारत ने क्रिकेट एक दिवसीय श्रृंखला जीत ली। इसे एक सही सार्थक शब्दों को लिखा गया है तो इसे एक वाक्य बना है। अनामिका बहुत सुशील और गुणवती लड़की है। प्रेमचंद को हिंदी भाषा का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ये तीनों वाक्य क्रिकेट में भारत की जीत, अनामिका और प्रेमचंद के बारे में संपूर्ण भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये वाक्य है। वे सभी सार्थक शब्दों के समूह जिनके द्वारा हम अपने भाव तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं वो ये वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के कितने अंग होते हैं आइए जानते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। जैसे राम खेल रहा है तो राम उसमें क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और खेल रहा है उसका विधेय हो गया, ये उद्देश्य होता है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी यहाँ पे उद्देश्य हो गया, ये हमारा उद्देश्य होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक विधेय पे आते हैं। जैसे कि हम बताए हैं कि जब भी उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा विधेय होता है। जैसे उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहा जाता है। देखिए यहाँ पे शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो हम बताए हैं कि शिक्षक उद्देश्य हो गया और पढ़ा रहे हैं का विधेय हो गया, यही हमारा विधेय होता है। अब हम आते हैं पदक्रम पे, नेक्स्ट टॉपिक है पदक्रम। ये पदक्रम क्या होता है पहले हम जानते हैं। तो वाक्य में शब्दों और शब्दों के बीच कार्य और कारण संबंध का स्पष्ट विभाजन करने के लिए कुछ जोड़ना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पदक्रम कहते हैं। जैसे ये तीन शब्द राम रावण वध, तीन शब्द है यहाँ पे। अब इसे कैसे स्पष्ट करेंगे, देखिए ये तीन शब्द प्रयुक्त होकर भी कार्य के होने के कारण यानी उद्देश्य और विधेय को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस स्पष्ट विभाजन के लिए संबंधवाची शब्दों का सहयोग लेना पड़ता है। संबंधवाची शब्दों के साथ जुड़कर अर्थवाची शब्द वाक्य में प्रयोग के योग्य हो पाते हैं। जैसे अब इन शब्दों को पुनः आप लोग देखिए, श्री राम ने रावण का वध किया। देखिए यहाँ राम रावण वध, तो ये कोई भी सेंटेंस नहीं बना है क्योंकि अब ना तो कुछ इसमें अस्पष्ट हो रहा है, राम रावण वध इससे कुछ भी अस्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसको हम सही से इसको लिखे हैं, श्री राम ने रावण का वध किया, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है कि श्री राम रावण का वध कर दिए हैं। तो यहाँ श्री राम के साथ ने कारक लगा है, देखिए ये कारक है, परसर्ग चिन्ह जोड़कर बना श्री राम ने यह पद है, तो यहाँ पे श्री राम परसर्ग चिन्ह है। इसी प्रकार रावण का पद है तथा भूतकालिक क्रियावाची पद करना क्रिया का पद पद बनेगा, पद करना क्रिया का पद बन जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि वाक्यों में पद का प्रयोग होता है। श्री राम ने कर्ता पद, रावण का कर्म पद और पद किया क्रिया पद, ये इसको हम पदक्रम कहते हैं। पदों का सही क्रम ही पदक्रम कहलाता है। अब हम आते हैं वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अभी आप वाक्य के अंग जाने हैं, अब आप जानेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के तीन भेद होते हैं, सॉरी वाक्य के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, दो आधारों के, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यहाँ पे देखिए रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर कितने होते हैं, तीन। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है आइए जानते हैं। रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं सरल वाक्य, अब हम नेक्स्ट पेज पे आपको समझाएंगे। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय प्रयुक्त हो उसे सरल साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे अक्षिता जो जूस पी रही है, तो इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय भी प्रयुक्त हो रहा है कि अक्षिता जूस पी रही है, अक्षिता उद्देश्य और जूस पी रही है विधेय। भार्गव पतंग उड़ा रहा है, तो भार्गव उद्देश्य और पतंग उड़ा रहा है विधेय हो गया, तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया।
अब हम आते हैं संयुक्त वाक्य पे। दो या दो से अधिक वाक्य जब समुच्चय बोधक पर, किंतु, और, या, की आदि द्वारा जुड़े हों तो वह हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। जैसे मीरा नाचती है और राधा गाती है, तो यहाँ पे देखिए दो उद्देश्य हो जा रहे हैं, मीरा नाचती है, राधा गाती है, तो मीरा राधा ये दो उद्देश्य हैं, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। हमने आपकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु आप नहीं आए, इसमें दो पहले वाक्य दो उपवाक्यों को योजक से तथा दूसरे वाक्य में किंतु योजक के द्वारा जोड़ा दिया गया है। इस प्रकार के एक कार्य की दूसरे कारण पर निर्भरता दर्शाई गई है, इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम आते हैं मिश्रित वाक्य पे। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वह परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होगा, तो यहाँ पे देखिए जो मेहनत करता है वह सफलता पाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा अन्य वाक्य आश्रित होते हैं। जैसे एक मुख्य वाक्य होता है और उस पर और जो वाक्य होते हैं वे उस पर आश्रित होते हैं, इसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब हम आते हैं उपवाक्य पे। उपवाक्य क्या होता है? वाक्यों में समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े हुए एक से अधिक वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। जब समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े एक से अधिक वाक्य बनते हैं तो वे उपवाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, आश्रित उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर रहने वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जब अपना ही अर्थ निकालने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है तो वे वाक्य आश्रित बन जाते हैं। जैसे मुझे लगता है कि आज वह जरूर आएंगे, तो मुझे लगता है आज वह जरूर आएंगे, तो ये क्या हो गया? भी खुद ही दूसरे पे आश्रित है, तो ये क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। वह यही किताब है जिसे तुमने छिपा दिया था, यहाँ पे देखिए वाक्य बना के बताया गया है। आश्रित उपवाक्य में जो, जब, जिसे, जिसे, जिसने, की, क्यों, की, प्राय आदि द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं वे मिश्रित वाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब हम आते हैं स्वतंत्र उपवाक्य पे। जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं रहता, अर्थात जो वाक्य स्वतंत्र होता है वह स्वतंत्र उपवाक्य कहलाता है। जैसे दीपिका सेब खाएगी और दृश्या मिठाई खाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्वतंत्र उपवाक्य है, दीपिका सेब खाएगी और दृश्या मिठाई खाएगी। माँ जाग गई किंतु पिताजी सो रहे हैं, ये वाक्य में और अपव्यय तथा दूसरे वाक्य में किंतु अपव्यय द्वारा स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े हुए हैं। इनमें कोई भी वाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र उपवाक्य है। स्वतंत्र उपवाक्य में और, किंतु, परंतु, या तथा आदि अपव्ययों से परस्पर जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। अभी ये जितना भी हम आपको बताएं ये रचना के आधार पर सारे थे। अब हम आते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? आठ प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ये हमारे अर्थ के आधार पर आठ प्रकार के वाक्य होते हैं। तो विधानवाचक वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य द्वारा किसी घटना अथवा कार्य के होने, प्रकट होने का बोध कराता हो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सोनल नाच रही है, महाभारत युद्ध से कौरवों की हार हुई, ये क्या है? विधानवाचक वाक्य है। अब हम आते हैं निषेधवाचक वाक्य पे। जिस वाक्य में निषेध या नकारात्मक भाव प्रकट होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य होते हैं। जैसे आज मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो ये क्या हो गया? निषेधवाचक वाक्य हो गया। इसमें कार्य के नहीं करने का बोध हो रहा है, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। अब हम आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य पे। जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए वे हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, ये सब हमारे क्या हो गए? प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। अब हम आते हैं चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में जिस वाक्य से आज्ञा या आदेश का भाव प्रकट होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हें आज स्कूल जाना है, तुम खाना अभी खाओ, ये सब हमारा क्या हो गया? आदेशवाचक वाक्य हो गया, तो इसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब हम आते हैं फाइव पे, विस्मयवादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य में आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट हो उसे हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, वाह कितनी प्यारी बच्ची है, या घृणा में आप कह सकते हैं छी
ये कितना गंदा है, ये सब हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। अब हम आते हैं संदेहवाचक वाक्य में, सिक्स वाला। तो जिस वाक्य में संदेह का भाव प्रकट होता है वे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे शायद आज बारिश है, शायद आज मेरे सर क्लास में आएंगे, इस तरह का संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। जिस वाक्य में संदेह का बोध होता है वे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। अब हम आते हैं सेवन पे, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में जिस वाक्य में अपनी इच्छा प्रकट होती है, जैसे हम अपने अंदर से जो इच्छा हमारी होती है उस भाव का प्रकट होना इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करें, भगवान तुम्हें लंबी आयु दें, ये सब हमारा इच्छावाचक वाक्य हो गया। अब हम आते हैं संकेतवाचक वाक्य पे। जिस वाक्य के द्वारा संकेत या शर्त प्रकट होता है वे संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे यदि तुम मेरे जन्मदिन पर आते तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती, अब पिताजी आएंगे तो हम मेला देखने जाएंगे, इसमें संकेत का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये हमारा संकेतवाचक वाक्य है। इस चैप्टर को हमने पढ़ के आपको बताया है, आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है, आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।